नहीं पा रहे हैं, परंतु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो 5 गतिविधियाँ उनमें से 3 गतिविधियों में से सबसे ज़्यादा फोकस सामाजिक समरसता पर किया है, ताकि जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं किसी न किसी रूप में हमारी विचारधारा से कटे हुए हैं, अलग थलग हैं, उनको हम कैसे जोड़ें। जोड़ने के कई आयाम हो सकते हैं, जैसा कि पुराने जो संघ से जुड़े हुए संघ सेवक जिसमें बैठे होंगे, परम पूजनीय गुरु जी का संस्मरण सुना होगा। एक बार वो प्रवास पर एक कार्यकर्ता के यहाँ गए हुए थे और वो कार्यकर्ता बहुत ही निर्धन था, गरीब था, बैठाने के लिए जगह नहीं था और उसका जो चाय बनाने का पात्र था एकदम काला था, अंदर भी बाहर भी, और नाक में किसी तरह से रुमाल लगाए हुए थे कि गुरु जी सहज रूप से अमुक कार्यकर्ता के यहाँ जो जिसका पात्र इतना गंदा है उसमें चाय पका रहा है चाय पीने के लिए, बड़े ही उदारतापूर्वक तत्परता से बैठे हुए हैं। गुरु जी पूरी बात को समझ रहे थे कि कार्यकर्ता की जो आस्था होती है, कार्यकर्ता का जो समर्पण है, उसका जो भाव है वो क्या है, परंतु साथ में रहने वाला जो दूसरा कार्यकर्ता था वो नाक में रुमाल लगाए हुए था, इतना गंदा पात्र जिसमें चाय बन रहा है इसका अभी रसा स्वादन करना पड़ेगा, छानने के लिए छन्नी नहीं थी, मैले कुचैले कपड़े में उस कार्यकर्ता ने चाय को छाना और गुरु जी ने बहुत ही प्रेम से उसको ग्रहण किया। ये है कार्यकर्ता।